मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस कंडक्टेड बाय सेंट जेम्स स्कूल एंड कॉलेज। आज हम हिंदी व्याकरण का पार्ट 8 संज्ञा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संज्ञा क्या होती है। तो संज्ञा नाम, आपने जब छोटी कक्षाओं में पढ़ा था तो आपको यही बताया गया कि संज्ञा क्या है, नाम। हिंदी व्याकरण में जितने भी नाम आते हैं उनको संज्ञा की श्रेणी में रखा जाता है, चाहे वो वस्तु का नाम हो, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो स्थान का नाम हो या फिर भाव का नाम हो। जितने भी नाम आएंगे वो सारे संज्ञा की श्रेणी में रखे जाएंगे। ये तो हो गया संज्ञा का एक परिचय कि संज्ञा, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि जितने भी हिंदी व्याकरण में नाम है वो संज्ञा है। लेकिन अगर आपसे परिभाषा की कोई बात करें तो आप परिभाषा देखेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। मतलब कि किसी व्यक्ति के नाम का बोध कराए, वस्तु के नाम का बोध कराए, स्थान के नाम का बोध कराए या भाव के नाम का जो बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के उदाहरण जैसे व्यक्ति के उसके आप ले सकते हैं राधा, ठीक है, राम। वस्तु में आप ले सकते हैं पुस्तक, कलम। स्थान में आप ले सकते हैं नाम चेन्नई, मुंबई। भाव में आप ले सकते हैं हरियाली, मिठास, खटास, दुखी, सुख। जितनी अवस्थाएं हैं आपकी, बुढ़ापा, यौवन, बचपन, ये सारे आपके भाव के अंतर्गत आते हैं। फिर आती है संज्ञा के भेद की बात। तो संज्ञा के कितने भेद हैं? तो हिंदी में संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जो विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराए। अब विशेष से यहाँ पे मतलब है किसी खास नाम का, खास से यहाँ कोई स्पेशल नेम। जैसे वस्तु, अगर मैं प्राणी की बात करूँ या वस्तु की मैं बात करूँ तो प्राणी में मैं सिर्फ प्राणी रखूँ, मतलब जिसके अंदर प्राण है तो उसमें मैं पशु कह सकती हूँ, पक्षी कह सकती हूँ, बालक कह सकती हूँ, बालिका कह सकती हूँ। लेकिन मुझे बालक, बालिका, पशु, पक्षी ना कहकर मुझे कहना है राम, श्याम, रेखा। इसी तरह पशु में मैं कह सकती हूँ शेर, चीता। पक्षी में मैं कह सकती हूँ कबूतर। तो मैं किसी का एक नाम लूँगी, विशेष नाम लूँगी। जब तक आप पूरे समूह में बात करेंगे तब नहीं। जैसे मैंने कक्षा में कहा कि श्याम खड़े हो जाओ और इस प्रश्न का उत्तर दो, तो पूरी कक्षा में एक श्याम बैठा हुआ है, उसे पता है कि उसकी उसकी जो भी अध्यापिका है वो उसकी तरफ इंगित कर रही है, उसे खड़े होकर प्रश्न का उत्तर देना है, तो वहाँ पे श्याम खड़ा होगा। तो इसीलिए जब विशेष नाम का हम बोध करेंगे जहाँ पे, वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा।
का सर्वनाम शब्द लिखा हुआ है अपना, तो इसका हो जाएगा अपनत्व, सर्व सर्वस्व। ठीक है, फिर है विशेषण, विशेषण में है मीठा। ठीक है, तो मीठा का हो गया भावाचक संज्ञा मिठास। फिर है क्रिया का खेलना, तो खेलना का भावाचक संज्ञा हो गया खेल। अच्छा, भावाचक संज्ञा बदलने के कुछ नियम होते हैं, जिसमें आपने अभी मैंने जो उदाहरण बोले आपने देखा होगा, कुछ में मैंने प्रत्यय लगा दिया है और कुछ में मैंने प्रत्यय हटा दिया है। ठीक है, मूल धातु के रूप में शब्दों को प्रयोग किया है। तो आप भावाचक संज्ञा बदलने को जब आए तो आप एक दिमाग में रखिएगा कि जिस शब्द में प्रत्यय लगा हो तो उसमें आप प्रत्यय हटा देंगे। ज़्यादातर ये नियम हर शब्द में लागू होता है, और जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है उसमें लगा देंगे और जिसमें लगा हुआ है उसमें हटा देंगे। तो ये याद रखिएगा, जब भावाचक संज्ञा बनाने के लिए आपको आए शब्द, तो पहले उस शब्द को आप ध्यान से पढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे अगर उस शब्द में कोई प्रत्यय लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, प्रत्यय हटा के मूल शब्द लिख देना है। ठीक है, और अगर प्रत्यय नहीं लगा हुआ है तो आपको प्रत्यय लगा देना है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब आप प्रत्यय लगाएंगे और हटाएंगे, लगाएंगे तभी आप देखेंगे कि वो कोई सार्थक शब्द बन रहा है या नहीं, और जब आप हटाएंगे प्रत्यय तभी आपको ये चीज देखना है कि वो सार्थक शब्द बन रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखकर ही आप भावाचक संज्ञा में शब्दों को बदलेंगे। और ये जितना भी मैंने आपको पढ़ाया, जितना भी ये ब्लैक बोर्ड वर्क है, जितना भी इसमें लिखा हुआ है, वो आपको अपनी कॉपी में यानी उत्तर पुस्तिका में नोटबुक में नहीं लिखना है। ये कार्य सिर्फ आपके समझने के लिए है कि आप